बुजुर्गों, मेरे साथियों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है, वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसा कर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वाली जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको लगातार इंडिपेंडेंट MLA बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया, मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। यकीन मानिए, मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। अतीक अहमद जिंदाबाद। हमसे सियासी गलती भी हुई है, आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था, उनकी ताकत बढ़ती थी और वह मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था।